वेलकम लवर्स ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। सो इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं सारणिकों के गुणधर्म। ओके, क्या पढ़ना है हमको? सारणिकों के गुणधर्म। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी होगी आपके सामने वो देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी आपके सामने ये है कि डिटरमिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स ए विल ऑलवेज बी इक्वल टू द डिटरमिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स ए। ठीक है, क्या कह रहा है ये कि मान के चलिए आपके सामने कोई अवयव है ए। ठीक है, मान लेते हैं ए बी और सी और डी। ठीक, यदि मैं इसका ट्रांसपोज ले लूँ, ट्रांसपोज लेना मैंने जो अवयव वाला चैप्टर था, मैट्रिक्स वाला चैप्टर था, वहाँ पर मैंने आपको सिखाया कि मैट्रिक्स का कैसे ट्रांसपोज लेते हैं। तो रोज एंड कॉलम को, पंक्ति और स्तंभ को आपस में अदला बदली कर देते हैं, स्थान चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए बी लिखा है तो इसको क्या लिख देंगे, ऐसे ए बी लिख देंगे, रो को कॉलम बना देंगे। ओके, रो को कॉलम बना दिया। ओके, तो उसने बोला कि इसका डिटरमिनेंट, तो देखिए मॉडुलस ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा आपके सामने, ये हो जाएगा ए इंटू डी, ए इंटू डी माइनस ऑफ सी इंटू बी। इसका निकालिए डिटरमिनेंट ए इंटू डी माइनस ऑफ बी इंटू सी। देखिए ये जो वैल्यू है इस वैल्यू के बराबर है, ये दोनों वैल्यू क्या है, बराबर है। तो ये वाली प्रॉपर्टी जो होगी आपके सामने वैलिड होगी, मतलब कि आप किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालिए, चाहे उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालिए, वैल्यू क्या आनी है सेम आनी है। तो ये आपके सामने थी पहली प्रॉपर्टी। ओके, चलिए अगली प्रॉपर्टी आपके सामने क्या होगी वो देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली, दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। इसमें दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलता है वो कि इफ एनी टू रोज और कॉलम आर इंटरचेंज्ड, यदि किन्हीं दो रोज या फिर कोई दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, मतलब उनके स्थान को आपस में अदला बदली कर दी जाए, तो देन देयर विल ओनली साइन चेंज ऑकर, केवल और केवल जो होगा उनका साइन बदलेगा। याद रखिएगा, यदि किसी भी दो रोज या फिर किसी भी दो स्तंभ या फिर किसी भी दो पंक्ति को आपस में बदल दिया जाता है, उनका स्थान बदल दिया जाता है, तो उनका क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। साइन चेंज होने का मतलब यह है कि यदि प्लस दिया है तो माइनस हो जाएगा, माइनस दिया है तो प्लस हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, चीज़ों को एग्जांपल समझेंगे ज़्यादा बेहतर होगा। क्या यहाँ पर दिख रहा है, दैट्स विजिबल टू यू? सो एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने क्या हो जाएगा, मान लेते हैं आपके सामने कोई मैट्रिक्स है ए, ए वन बी वन सी वन एंड सॉरी ऐसे मान लेते हैं ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री, ये मैट्रिक्स ए है। इसका जो मैट्रिक्स ए है उसका डिटरमिनेंट है डेल्टा ए। डिटरमिनेंट क्या है, ये है डेल्टा बराबर डिटरमिनेंट ए, इसकी ये मान लेते हैं। ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पर यदि मैं रो वन को इंटरचेंज कर दूंगा रो टू से, क्या मैं कर रहा हूँ, रो वन को हम आर वन से लिखेंगे और रो टू को आर टू से लिखेंगे। और इंटरचेंज करने का मतलब होता है कि ऐसा साइन लगाते हैं, जब इंटरचेंज करते हैं तो साइन कैसा लगता है, ऐसा लगता है। ठीक है, आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो यहाँ आपके सामने नई मैट्रिक्स जो बनेगी, मान लेते हैं बी बनेगी, तो इसको आपस में हमने कर दिया इंटरचेंज, मतलब जो वन के स्थान पे टू आ जाएगा, टू के स्थान पे वन आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा बी वन बी टू बी थ्री ए वन ए टू ए थ्री सी वन सी टू सी थ्री। क्या हुआ, इन्होंने अपना स्थान चेंज कर दिया। तो मान लेते हैं कि इसका डिटरमिनेंट जो है आपके सामने वो, इसको डेल्टा वन मान लेते हैं, इसको डेल्टा टू मान लेते हैं। ठीक है, किसके बराबर है आपके सामने, डेल्टा बी के बराबर है। तो देखिए जो इन दोनों पे आपके सामने क्या होगा, रिलेशन होगा, संबंध होगा, वो किसके बराबर आएगा, डेल्टा वन बराबर जो होगा माइनस ऑफ डेल्टा टू आएगा। वैल्यू क्या रहेगी, देखिए सेम रहेगी, या फिर ऐसे लीजिए मॉड्यूलो डिटरमिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ बी।
वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, बस क्या होता है साइन चेंज हो जाता है। ये आपको याद रखना होगा, बहुत ही सिंपल चीज है। ओके, ये थी आपके सामने सेकंड प्रॉपर्टी। चलिए अगली प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके सामने क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं। वो बोल रहा है कि इफ डिटर्मिनेंट हैज, इफ डिटर्मिनेंट हैज ऑल इट्स वैल्यू जीरो इन एनी ऑफ रोज और कॉलम देन इट्स वैल्यू विल बी जीरो। तो देखिए ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यदि आपके कोई भी आपके सामने सारणिक है ना, उसमें यदि किसी भी स्तंभ के सभी अवयव, किसी भी रोज के सभी एलिमेंट, या फिर किसी भी कॉलम के, किसी भी स्तंभ के सभी अवयव, या फिर किसी भी पंक्ति के सभी एलिमेंट्स जो कि एलिमेंट्स जीरो के बराबर हैं, तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी, सारणिक की जो वैल्यू होगी, सारणिक का जो मान होगा वो जीरो के बराबर होगा। एग्जाम्पल के रूप में यदि मैं देखूँ आपके सामने कोई मैट्रिक्स है ए, है ना, मैट्रिक्स है आपके सामने ए, जिसके आपके सामने एलिमेंट है 1, 2, a, 0, 0, 0, 5, 6, b, है ना। तो मैं बोलूं कि बताओ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको माइनर और कोफैक्टर की मदद से निकालना सिखाया था, ठीक है। और एक और तरीका मैं बात बताऊंगा, और ये भी कहा था कि एक स्टेप, दो तीन स्टेप में आगे बताऊंगा कि कैसे दो तीन स्टेप आगे कूद के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब उससे सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि जो वैल्यू होगी वो जीरो आएगी। अच्छा, इसको रटना क्यों है, रटना इसलिए है क्योंकि यदि आपको कभी भी ऐसे वैल्यू मिल जीरो मिल जाए, जेई मेंस का पेपर दे रहे हैं या फिर बोर्ड का दे रहे हो, तो वहां पर आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू जीरो लिख सकते हैं, और ये आपके सामने प्रॉपर्टी लिख देंगे वहां पर, और ये वैल्यू जीरो लिख देंगे तो आपको आसानी से नंबर मिल जाएंगे बिना सॉल्व किए, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी आपको याद रखनी होगी। तो ये थी आपके सामने थर्ड प्रॉपर्टी। चलिए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज जो मैं बता रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए हो कि आपके मेंस में, एडवांस में इन प्रॉपर्टीज बेस्ड पर काफी ज्यादा क्वेश्चंस आता है, चाहे वो यही केवल इस चैप्टर बस की बात नहीं है, आपके मैथ्स में बहुत सारे चैप्टर है, चाहे आप उसको के डिफरेंशिएशन ले लो, है ना, इंटीग्रेशन ले लो, कोई भी आप चैप्टर ले लीजिए, प्रॉपर्टीज बेस्ड ही क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो आपके बोर्ड एग्जाम हो, जर्नली जो क्वेश्चन होता है प्रॉपर्टी बेस्ड पर ही आ रहा होता है, इसलिए आपको प्रॉपर्टी मुंह जीवानी याद होनी चाहिए। देखिए अगली प्रॉपर्टी को यदि हम आगे बढ़े, अगली प्रॉपर्टी देखें, तो अगली प्रॉपर्टी क्या है, इफ द डिटर्मिनेंट हैज एनी टू रोज और कॉलम, इफ डिटर्मिनेंट हैज एनी टू रोज और कॉलम आर आइडेंटिकल। क्या कह रहा है कि यदि मान लीजिए कोई सारणिक है आपके सामने, डिटर्मिनेंट है, उसके कोई दो रोज या फिर कोई दो पंक्ति या फिर कोई दो स्तंभ क्या है, आइडेंटिकल है या फिर प्रोपोर्शनल में है, या फिर प्रोपोर्शनल में है, तो उसका जो मान होगा देन इट्स वैल्यू, तो जो उसका मान होगा वो शून्य के बराबर होगा, विल बी जीरो। उसका मान क्या होगा, बेसिकली शून्य के बराबर होगा। एग्जाम्पल के रूप में यदि मैं समझूं कि आपको मान लेते हैं कोई डिटर्मिनेंट ए है जिसके एलिमेंट है a1 b1 c1, ठीक है, a2 b2 c2, और जो आपके सामने थर्ड रो वाले एलिमेंट है वो है λ a1 λ a2 λ b1 and λ c1। तो देखिए आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पहला रो है और जो आखिरी रो है, इन दोनों को यदि हम डिवाइड करें तो इनका जो प्रोपोर्शन है 1 by λ, 1 by λ, 1 by λ क्या है, इक्वल है, तो मतलब वो प्रोपोर्शनल है। यदि लैम्डा की वैल्यू यदि 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएंगे, दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे। लैम्डा की वैल्यू 1 नहीं है तो वो प्रोपोर्शनल में है। यदि ऐसा है, प्रोपोर्शनल में होते हैं कोई भी दो रोज या फिर कोई भी दो कॉलम, तो जो वैल्यू होगी डिटर्मिनेंट की, यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा डेल्टा,
वो क्या होगा, जीरो के बराबर हो रहा होगा। तो ये भी थी बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी। ओके, नब पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। तो चलिए देखते हैं, हम बढ़ते हैं आगे अगली प्रॉपर्टी की ओर। ओके, तो क्या बोल रहा है ये, लेट लैम्डा बी एनी नॉन जीरो स्केलर। मान लेते हैं कि एक लैम्डा है आपके सामने, लैम्डा वो एक नॉन जीरो आदिश है ना, जो कि एक ऐसा आदिश है जो कि शून्य नहीं हो सकता। देन लैम्डा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, लैम्डा डेल्टा ए, ओके लैम्डा डेल्टा ए इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग एनी रोज और कॉलम, है ना। यहाँ पर देखिए एनी लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, किसी भी एक, है ना, याद रखिएगा यहाँ पर क्या बोल रहा है वो, किसी भी एक रोज या फिर कॉलम में उस लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो लैम्डा डेल्टा ए के बराबर आएगी। तो ये बहुत आई थिंक अभी तक आपको समझ में नहीं आया मैंने क्या बोला है, तो बेहतर यही होगा कि मैं एग्जाम्पल से समझाऊं। तो चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। मैं मान लेता हूँ आप मेरे सामने कोई मैट्रिक्स नहीं मान रहा हूँ, मैं यहाँ पर डिटर्मिनेंट मान रहा हूँ। तो डिटर्मिनेंट को मैं D1 से मानता हूँ, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट डायरेक्टली मैं डिटर्मिनेंट लिख रहा हूँ। तो मान लीजिए A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3। अच्छा मुझे बताइए कि डिटर्मिनेंट D1 की वैल्यू क्या होगी, वो क्या होगी यदि मैं इसको रो 1 के अबाउट इसकी वैल्यू निकालूं, है ना, रो 1 के अबाउट, R1 के अबाउट यदि मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो इसका मान क्या होगा, आप मुझे बताइए। तो आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि वो किसके बराबर हो जाएगा। आई थिंक वी नीड मोर स्पेस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सो आई एम गोइंग टू रेज दिस। आप सब कंफर्टेबल होंगे, ओके, इट इज मच मोर एनफ। तो चलिए देखते हैं, तो हमने क्या माना D1, तो D1 का मान क्या होगा वो बताइए। तो D1 बराबर हो जाएगा यदि मैं इसको रो 1 के अबाउट निकाल रहा हूं, तो क्या हो जाएगा A1 इंटू C11, क्या मैं सही हूँ, A1 इंटू C11। C11 क्या है, कोफैक्टर, और कोफैक्टर की वैल्यू क्या होती है, अभी हमने पढ़ा था वेर, यहाँ पे, है ना, Cij क्या होता है, वो होता है -1 की पावर i+j mij, ये आपने पढ़ा है ना, ठीक है, प्लस A2 इंटू C12, क्यों, सॉरी यहाँ पर B2 आएगा, B1 इंटू C12, क्योंकि B1 क्या बार एक्सपांड कर रहे हैं, अब B1 क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसलिए C12, C1 इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा C13। ओके, आई थिंक ये आपको पता होगा। चलिए मान ले, आप मान लेते हैं ये आपके सामने डिटर्मिनेंट है, मैं यहाँ पर आपके सामने दूसरा डिटर्मिनेंट की मैट्रिक्स मान रहा हूँ, डिटर्मिनेंट सॉरी नॉट मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट मान रहा हूँ, सैट्रिक मान रहा हूँ, जो कि किसके बराबर है। तो यहाँ पर आपके सामने बोला क्या है कि हमें लैम्डा को मल्टीप्लाई करना है किसी भी एक रोज में या फिर किसी भी एक कॉलम में, तो वही वाला हम काम करते हैं। तो मान लेते हैं कि हम रो 1 में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, रो 1 में यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा लैम्डा A1, लैम्डा B1, लैम्डा C1, उसके बाद ये हो जाएगा आपके सामने A2, B2, C2, A3, B3 एंड C3। आई थिंक यू आर मच मोर कंफर्टेबल विद दिस। ओके, तो बताइए इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो यहां से मान लेते हैं कि ये D2 के बराबर है, D2 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके सामने लैम्डा A1 C11 प्लस लैम्डा B1 C12, पता है ना कैसे आ रहा है, प्लस लैम्डा C13। अब यहां से लैम्डा को कॉमन ले लो, क्या बनेगा यहां पर, A1C11 प्लस B1C12 प्लस C1C13। अच्छा ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपके सामने है D1 D2 बराबर लैम्डा, ये क्या है D1 के बराबर है, ये हो जाएगा D1। तो यहां पर बोल रहा है कि यदि हम लैम्डा को किसी भी एक पंक्ति या फिर किसी भी एक स्तंभ में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू जो होगी वो बाहर, मतलब वैल्यू जो होगी वो
आपके सामने बाहर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो एक चीज का याद रखिएगा, ऐसे भी याद रखिए, एक और तरीका बता रहा हूँ कि डिटरमिनेंट के अंदर जब कभी भी कोई कांस्टेंट या फिर कोई स्केलर मल्टीप्लाई होता है तो वो किसी भी एक रो या फिर किसी भी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। वहीं उल्टा मैट्रिक्स की बात करें, मैट्रिक्स में हमने पढ़ा है कि मैट्रिक्स में जब आव्यूह में जब किसी भी स्केलर का मल्टीप्लाई करते थे हम, तो वो सभी के सभी एलिमेंट में जाके मल्टीप्लाई होता था, सभी के सभी अवयव में जाके मल्टीप्लाई होता था। लेकिन डिटरमिनेंट में क्या होता है, या किसी भी एक रो में, यहाँ पर मैंने R1 में मल्टीप्लाई किया, यदि मैं यहाँ पर R2 में मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ लैम्डा लैम्डा लैम्डा, तो भी यही वैल्यू आएगी, चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। या तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ, या तो फिर मैं एक काम करूँ कि भाई C3 कॉलम 3 में मल्टीप्लाई कर दूँ, तो भी वैल्यू यही आनी है, ठीक है। तो किसी भी एक में करना है, किसी भी एक में करना है, ओके। आई थिंक ये वाली प्रॉपर्टी समझ में आ गई, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ओके। यहीं पे हम देख, अभी देखिए हम और चीज मैंने आपको कही है कि मैट्रिक्स में क्या होता है कि वो सभी के सभी एलिमेंट में जाकर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। यदि हम उसी का इस्तेमाल करें, ठीक है, आप मान लेते हैं आपके सामने कोई मैट्रिक्स थी ए, है ना, उसमें मैंने किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई किया था, तो वो मैट्रिक्स बन गई आपके सामने बी बराबर लैम्डा ए, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसका डिटरमिनेंट लूंगा, तो डिटरमिनेंट लूंगा तो यहाँ से बताइए, जब मैं लैम्डा को बाहर निकालूंगा, क्योंकि जो लैम्डा है ए के अंदर सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाइड है, तो जो लैम्डा होगा वो बाहर आएगा, तो लैम्डा की पावर एन के रूप में बाहर आता है और ये हो जाएगा ए। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके, ओके। तो यहाँ पर जो लैम्डा होगा वो लैम्डा की पावर एन के रूप में बाहर आएगा, और यहाँ पर जो एन है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ वर्ग अवयव की कोटि है, है ना, ये वर्ग अवयव की कोटि है, ओके। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखते हैं अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर क्या है। चलिए अगली प्रॉपर्टी आपके सामने, सेवन्थ प्रॉपर्टी, हमने आई थिंक सिक्स प्रॉपर्टी अब तक देख चुकी है, तो सेवन्थ प्रॉपर्टी आपके सामने क्या है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन हैज डिटर्मिनेंट वैल्यू इक्वल्स टू जीरो। सो यहाँ पर क्या बोल रहा है, आई थिंक ओके, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ऑफ ऑर्डर एन नहीं सॉरी ऑफ ऑड ऑर्डर है ना, ऑर्डर ऑफ ऑर्डर, ऑड पता है ना, इवन और ऑड आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो ऑफ ऑड ऑर्डर has determinant value equals to zero। So, अब यहाँ पर एक और चीज आपके सामने दिमाग में आ रहा होगा कि भाई skew symmetric matrix क्या होता है, तो हमने matrix chapter में, आगे chapter में symmetric matrix और skew symmetric matrix के बारे में पढ़ा है। symmetric matrix में क्या होता है कि A transpose जो होता है वो A के बराबर होता है, और skew symmetric matrix में A transpose होता है माइनस A के बराबर होता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि भाई A transpose माइनस A के बराबर होगा, ये हमको पता है, skew symmetric matrix की कंडीशन होती है, ओके। सो अब हम एक काम करते हैं, हम यहां पर क्या काम करेंगे कि हम लगाएंगे दोनों साइड डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट दोनों साइड लगाएंगे तो आपके सामने क्या हो जाएगा, ये माइनस ऑफ। अब यहां पर देखिए ये जो आपके सामने है इसमें क्या है कि अंदर माइनस वन है कि स्केलर है, अंदर क्या है माइनस वन है कि स्केलर है कि नहीं। अभी हमने इसके पहले वाली प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि किसी भी स्केलर को डिटरमिनेंट के बाहर निकालते हैं तो वो उसके ऑर्डर के उसके पावर में क्या होता है, उसका ऑर्डर आ जाता है। यहाँ पर सिमिलरली इसको बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वन की होल पावर एन डिटरमिनेंट ऑफ ए, है ना, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस जो होता है, हमने दोनों साइड डिटरमिनेंट लिया, फिर यहाँ पर माइनस वन था, हमने सिक्स नंबर वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया और ये कर दिया। यहां तक आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ओके। अच्छा, आपको एक और बात पता होगी, वो बात क्या है कि आप चाहे किसी भी मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट निकालो या फिर ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालो, वैल्यू क्या आनी है, सेम आनी है, ये हमने
पहली प्रॉपर्टी में भरा था, तो वही इस प्रॉपर्टी का फिर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू माइनस वन की होल पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, यदि मान के चलिए एन इवन है, एन क्या है आपके सामने इवन है। ओके, एन क्या है आपके सामने इवन है। सो यहाँ पर दो केस बनते हैं, केस नंबर वन कि भाई एन क्या हो जाए इवन हो जाए, केस नंबर टू एन क्या हो जाए आपके सामने ऑड हो जाए। एन इवन है तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका मतलब ये है ये कुछ भी हो सकता है ना, यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो जीरो के बराबर नहीं होगी। वहीं पे यदि मान के चलिए एन हो जाएगा आपके सामने ऑड, ऑड हो जाएगा तो माइनस वन की पावर में कुछ ऑड है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। अब ये इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा टू इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी बराबर जीरो, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हो जाएगी जीरो। तो जो हम प्रॉपर्टी में बात कर रहे थे कि वैल्यू जो होगी वो जो मान होगा वो शून्य के बराबर होगा, वो हमने क्या कर दिया प्रूफ भी कर दिया। तो हो सकता है कि आपके बोर्ड पेपर में प्रूफ करने को आ जाए, तो जो पूरा स्टेप है ये प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ये वाली कंडीशन, ठीक है, ये वाले स्टेप्स, ये वाली चीजें, ये वाली प्रॉपर्टी की डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पर दो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया हमने, दो प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किया, एक ये वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, एक ये वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया प्रूफ करने में। तो आपको इन दोनों ही चीजों को याद रखना होगा, हो सकता है कि ये प्रूफ करने के लिए आ जाए। ओके, चलिए यहाँ पर आप देखते हैं थोड़ा सा विचित्र प्राणी जैसा यहाँ पर स्थिति है आपके सामने। तो यहाँ पर क्या बोला है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू टर्म, ठीक है, किसी भी रो, कोई भी एक रो या फिर कोई भी एक पंक्ति या स्तंभ के ईच एलिमेंट को हम दो टर्म के सम में लिख सकते हैं यदि, तो हम डिटर्मिनेंट को भी दो अलग अलग डिटर्मिनेंट के समीशन के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखने का जो तरीका होता है ना, लिखने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल ही अलग है ना, ये मैट्रिक्स की तरह नहीं है कि एक आपने दो मैट्रिक्स को जोड़ा, दो अवयव को जोड़ा, तो वहाँ पर क्या होता था कि हर एक अवयव जो था, हर एक एलिमेंट जो था वहाँ पर जुड़ता था मैट्रिक्स के केस में, अवयव के केस में है ना, हर एक एलिमेंट जुड़ता था। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर परिस्थिति चेंज हो जाती है। तो वो क्या है, वो चेंज क्या है वो हम देखते हैं कि मान लेते हैं आपके सामने कोई मैट्रिक्स है ए, जिसके एलिमेंट्स हैं ए प्लस एक्स, बी प्लस वाई, सी प्लस जेड, डी ई एफ जी एच आई। ओके, ये हमने मान लिया। अब यहाँ पर क्या बोलता है कि इस मैट्रिक्स को हम किस रूप में लिख सकते हैं, वो मैं दिखाने वाला हूँ, वो बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। तो उसको हम ऐसे, सॉरी ये मैट्रिक्स नहीं है, माफ कीजिएगा, ये डिटर्मिनेंट है, ये मैंने गलती कर दी, मैंने पहाड़ एक छलांग में पार कर लिया, ये बहुत ही गलत काम किया मैंने। ओके, ये आपके सामने डिटर्मिनेंट है। तो यहाँ पर देखिए किसी भी सारणिक को इसकी, ये देखिए यहाँ पर क्या है कि ए प्लस एक्स है, बी प्लस वाई, सी प्लस वाई। अच्छा, यहाँ पर याद रखिएगा कि एक लाइन है, एक सेंटेंस है, बहुत ही काम आती है, एक बार में किसी भी एक रो या फिर एलिमेंट को ही जोड़ घटा सकते हैं। क्या मैंने बोला, एक बार में किस केवल और केवल एक ही एलिमेंट या फिर रो, केवल केवल एक ही रो या फिर कॉलम को जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। तो यहाँ पर वही कंडीशन होती है, इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक, प्लस एक्स वाई जेड डी ई एफ जी एच आई। देखिए यहाँ पर डी ई एफ जी एच आई, डी ई एफ जी एच आई, इन दोनों का मान तो चेंज नहीं हुआ है ना, ये तो वही थे जो जोड़ में थे ना, जो चेंज है ना, जो जोड़ में थे वो क्या हो गए, अलग हो गए। या फिर उल्टा देखा जाए, यदि इन दोनों को जोड़ना है तो जोड़ना है, तो मान लीजिए चलिए कि यहाँ पर क्या है कि ये वाला रो सेम है, ये दोनों रो क्या है सेम है, तो ये दोनों नहीं जुड़ते हैं, जो अलग अलग होगा वो जुड़ जाएगा। तो डी ई एफ डी एफ सेम है, जी एच आई सेम है, तो क्या होगा कि ये दोनों नहीं जुड़ेगा, तो ए बी सी और एक्स वाई जेड डिफरेंट थे तो ये आपस में जुड़ गए। अब यहाँ पर देखिए कि क्या ये जो मैंने किया है वो सही है कि नहीं, तो वो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपका काम है पता करना।
आपको निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना। इसको सॉल्व करिएगा, इसको सॉल्व करिएगा, इसको मान लेते हैं बी, ठीक है, इसे मान लेते हैं बी, ठीक, इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ बी, यहाँ पर क्या होगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ बी के बराबर होगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। आपको ये प्रूफ करना है तो आप ये करिएगा, आई थिंक हो जाएगा, ठीक है। अब इसी का मैं एक और एग्जांपल यहाँ पर ले लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन और अच्छे, आपको यदि हल्का फुल्का भी कंफ्यूजन आए कभी वो भी क्लियर हो जाए। तो मान लेते हैं यहाँ पर ए प्लस एक्स, बी प्लस वाई, सी प्लस जेड दिया हुआ है, ठीक। यहाँ पर मान लीजिए डी प्लस पी, ई प्लस क्यू एंड एफ प्लस आर दिया हुआ है एंड जी एच आई। अब मेरा आपका काम क्या है कि इसे तोड़िए, आपका काम क्या है कि इसको तोड़ना है। चलिए तोड़ के दिखाइए कैसे करेंगे। तो क्या है नियम, क्या है, एक बार में एक ही टूटेगा, एक बार में एक ही को हम अलग कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि एक बार में केवल एक ही को जोड़ सकते हैं। चलिए एक बार में एक ही को तोड़ेंगे। तो हमारा पहला काम करते हैं कि हम रो वन में काम करते हैं, रो वन में काम करेंगे तो हो जाएगा आपके सामने ए बी सी। अभी हम रो वन में काम कर रहे हैं तो बी वाले को टच नहीं करना है। ये आपके सामने क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी प्लस पी, ई प्लस क्यू, एफ प्लस आर, ये हो जाएगा जी एच एंड आई, ओके। अब यहां पर देखिए उसी प्रकार देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स वाई एंड जेड, ये हो जाएगा डी प्लस पी, सी प्लस क्यू, एफ प्लस आर, जी एच आई, ठीक, ओके। अब देखिए रो वन में काम हो गया, अब काम कर लेते हैं रो टू में, क्योंकि रो टू में आपके सामने रो टू में भी दिया हुआ है कि जोड़ जोड़ में है, ठीक है। तो रो टू का यदि हम यहाँ पे काम करेंगे, यहां से क्या बनेगा, ये बन गया आपके सामने ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। अब क्या करना है यहां पर देखिए, प्लस ए बी सी पी क्यू आर, है ना, डी ई एफ वो हमने अलग कर दिया, अब क्या करो पी क्यू आर को अलग कर दो, जी एच आई प्लस एक्स वाई जेड डी ई एफ जी एच आई प्लस एक्स वाई जेड पी क्यू आर जी एच आई। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाली प्रॉपर्टी कहना क्या चाहती है ना। आई थिंक ये आपको ना रट रहे तो ऐसे आप याद कर लीजिएगा कि भी एक बार में एक ही ऐड होंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, यदि ये दोनों सेम हैं तो ऊपर वाला बस ऐड होगा। जैसे यहाँ पर देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो पहला वाला और आखिरी वाला सेम है इसलिए बीच वाला ऐड होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके सामने पहला वाला और आखिरी वाला सेम है इसलिए बीच वाले ऐड होंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सेकंड वाला एंड थर्ड वाला वो सेम है, पहला वाला डिफरेंट है तो पहला वाला ऐड होगा, इस प्रकार आपके सामने ये बन जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी है, आपके काम आ सकती है, ओके। और अब जो प्रॉपर्टी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ या फिर मैं जो प्रॉपर्टी अभी आपको बताने वाला हूँ, ये जो प्रॉपर्टी है इसे यदि आप संजीवनी बूटी मान लें सारणी की या फिर डिटर्मिनेंट की संजीवनी बूटी मान लें तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, चाहे तो आप इसमें स्टार मार्क भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है ये प्रॉपर्टी, तो मान लेता हूँ मैं कुछ पल के लिए कि मेरे सामने कोई मैट्रिक्स है कैपिटल ए जिसके, सॉरी डिटर्मिनेंट है मेरे सामने कैपिटल ए जिसके अवयव है एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। यदि मैं इस मैट्रिक्स में रो कॉलम ऑपरेशन लगाऊंगा तो मेरे जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है ना, मान के चलिए डेल्टा की वैल्यू है वो क्या होगी, चेंज नहीं होगी। अच्छा ये कैसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो मैं करके देखते हैं। मान लेते हैं कि मैं रोवन में, मैं जो रोवन है ये जो आपके सामने रोवन है, ठीक है, ये वाली क्या होगी पहली रो गए, रोवन में मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ। देखिए जब ऑपरेशन लगाते तो एरो ऐसा होता है, ऑपरेशन लगा रहा हूँ तो ये हो जाएगा रोवन प्लस लैम्डा रो टू, ये मैंने ऑपरेशन लगाया है, ठीक है, समझिएगा देखिएगा बात अंत तक अच्छे समझ में आएगा। यहां से देखिए ए, तो रोवन को मैंने क्या किया कि रोवन लिखा, रोवन का एलिमेंट लिखा प्लस लैम्डा रो टू का लिखा, तो ए प्लस रो टू में क्या है डी, तो जाएगा लैम्डा डी। उसी प्रकार बी प्लस रो टू में क्या हो जाएगा आपके सामने लैम्डा ई, सी प्लस लैम्डा एफ, बाकी बचे उसी तरह हो जाएंगे डी ई एफ।
जिसमें ऑपरेशन लगाते हैं वो क्या होता है, चेंज हो जाता है, बदल जाता है। देखिए चेंज हो गया, बदल गया, चेंज हो गया, बदल गया, ठीक। यहाँ पर आई थिंक सी है, ओके। ये भी ई, फिर ये जाएगा जी एस आई। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है दोनों की सेम है, अभी हमने पिछली प्रॉपर्टी पढ़ी है कि इसको हम तोड़ के भी लिख सकते हैं, तो इसको तोड़ के लिखिए, क्योंकि यहाँ पर पहले एलिमेंट में कुछ जुड़ा हुआ है, नीचे वाले में कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम ए बी सी डी ई एफ जी एच आई प्लस क्या लिख देंगे, लैम्डा डी, लैम्डा ई, लैम्डा एफ, डी ई एफ जी एच आई। अब मैं ये कहूं कि इसकी जो वैल्यू होगी वो जीरो के बराबर हो जाए, तो क्या मैं सही हूं कि गलत हूं? बिल्कुल सही हूं, क्योंकि तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था कि दो दो रोज या फिर कोई भी दो कॉलम रेशियो में होंगे, रेशियो में होंगे या फिर आइडेंटिकल होंगे तो वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला रो जो है, यहाँ पर रो वन है और रो टू है, वो क्या है, रेशियो में है। देखिए यहाँ पर रेशियो करेंगे लैम्डा आएगा, यहाँ पर भी लैम्डा, यहाँ पर भी लैम्डा, इसका मतलब इसकी वैल्यू जीरो होगी। वो मैंने आपको प्रॉपर्टी में बताया था, तो आई थिंक ये वाली प्रॉपर्टी आपको याद होगी। जब ये जीरो तो बचाइए, बचाइए किसके बराबर बचा, इसके बराबर बचा, तो दोनों की वैल्यू ऑलरेडी सेम होगी। तो ये एक्चुअली में आप, मैंने आपको प्रूव करके भी बता दिया, आपसे पूछ भी सकता है कि प्रूव द रो कॉलम ऑपरेशन, ठीक है, ऐसा भी कुछ पूछ सकता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार इसे सॉल्व करना है, किस प्रकार प्रूफ करना है। तो मैं यहाँ पर कोई भी ऑपरेशन लगा सकता हूँ, यदि ऐसा है वैल्यू सेम है तो मैं यहाँ पर कोई भी ऑपरेशन लगा सकता हूँ। तो मैं भी यहाँ पर खतरनाक खतरनाक ऑपरेशन लगाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको पता नहीं चलता कि इसमें कौन सा ऑपरेशन लगाना है। आपको यहाँ पर देखा जाए तो सबसे जो अच्छा टॉपिक है ना, ये रो कॉलम ऑपरेशन वाला जो टॉपिक है वो सबसे अच्छा टॉपिक है आपके डिटरमिनेंट में, जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर मैं, यदि मान के चलिए मैं रोवन में अभी क्या किया थे, रोवन आर वन प्लस आर टू, आपका काम क्या है, आपको मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क ये है कि आपको उस कॉलम वन में ऑपरेशन लगाना है, कॉलम वन प्लस लैम्डा, कॉलम टू प्लस म्यू, कॉलम थ्री, आपको कॉलम टू में ऑपरेशन लगाना है, कॉलम टू माइनस लैम्डा, कॉलम थ्री, कॉलम थ्री में ऑपरेशन लगाना है लैम्डा, लैम्डा सी टू माइनस म्यू सी थ्री, ये आपको ऑपरेशन लगाने हैं। तो चलिए काम करते हैं, इनमें से मैं एक मैं सॉल्व कर देता हूँ, इसको, इस वाले को मैं सॉल्व कर देता हूँ, और ये दोनों आपके होमवर्क हैं, इन दोनों को आपको करना है, कर लीजिएगा। तो चलिए अपना काम क्या है कि कॉलम थ्री में ऑपरेशन लगाना है, कॉलम थ्री को पकड़िए, कॉलम थ्री क्या है, ये है कॉलम थ्री, कॉलम थ्री में आपका क्या, सॉरी हाँ, कॉलम थ्री में लगाना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके सामने कॉलम थ्री, यहाँ पर ये सी टू है, ओके। सो कॉलम थ्री में लगाना है, ऑपरेशन लगा दीजिए, तो कॉलम वन और कॉलम टू को जो तो रख दीजिए, जैसा है वैसा ही रख दीजिए, क्योंकि उसमें कुछ करने को कहा नहीं है। कॉलम थ्री में बोला है, तो कॉलम थ्री में क्या बोला है कि आपको करना क्या है, सबसे पहले कॉलम थ्री के एलिमेंट में लैम्डा का मल्टीप्लाई करना है, तो कर दीजिए लैम्डा सी, लैम्डा, लैम्डा सी, फिर क्या करना है, माइनस करना है कॉलम टू में म्यू का मल्टीप्लाई करके, तो माइनस ऑफ म्यू बी। इसी प्रकार देखिए ये वाला क्या हो जाएगा आपके सामने, लैम्डा एफ माइनस म्यू ई, लैम्डा आई माइनस म्यू एच। तो इस प्रकार ये वाला ऑपरेशन हम लगा देंगे। इसके डिटर्मिनेंट दोनों की दोनों क्या है, सेम है, सेम है ना, अभी मैं आपको बताया था ना, आप इन दोनों को अलग कर सकते हो ना, अलग कर सकते हो आई थिंक। इसको भी बता देता हूँ, अभी तक मैंने केवल रो में अलग करके बताया, इसको देखिए अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको अलग करेंगे तो आपके सामने बनेगा ए बी लैम्डा सी, ठीक है, डी ई लैम्डा एफ, जी एच लैम्डा आई, ठीक है, ओके, प्लस ए बी म्यू बी माइनस म्यू बी, डी ई माइनस म्यू ई, ठीक है, उसी प्रकार जी एच माइनस ऑफ म्यू एच, ओके। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसका वैल्यू होगा वो जीरो के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ लैम्डा है, इसको आप बाहर निकाल सकते हैं, ओके। दिस आर वेरी सिंपल, यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ओके। तो चलिए इसको कैसे अलग किया वो समझ में आ गया, लैम्डा देखिए
यहाँ पर लैम्डा मल्टीप्लाई किए तो वैल्यू क्या होगी आपके साथ में चेंज होगी, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, एग्जैक्ट सेम नहीं आएगा। ओके ओके, यहाँ पर देखिए जब कभी भी जैसे हम C1 में लगा रहे हैं, C1 में लाए यहाँ पे हमने कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया, कुछ मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू सेम होती है, यहाँ पर हमने लैम्डा का मल्टीप्लाई किया तो थोड़ा थोड़ा वैल्यू चेंज हो जाएगी। हमने इससे पहले प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि लैम्डा यदि हम किसी अंदर मल्टीप्लाई करते तो आपके सामने बाहर किस प्रकार आ रहा होता है, लेकिन ये वाले टर्म की वैल्यू 0 होगी क्योंकि ये दोनों क्या है आपके सामने प्रोपोर्शन में है। ठीक है, आई थिंक ये वाली भी प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी और बहुत ही मजेदार प्रॉपर्टी की हम बात करने वाले हैं। मान लेते हैं आपके सामने कोई मैट्रिक्स है ए और दूसरा मैट्रिक्स है बी, इन दोनों को हमने क्या माना है, ये आपके सामने मैट्रिक्स है ना, अवयव है ना, ये क्या है आपके सामने अवयव है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि इन दोनों अवयवों को आपस में गुणा मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, अवयवों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, मान लीजिए सी नया जो अवयव बना, नई मैट्रिक्स बनी वो सी है, इसका डिटरमिनेंट यदि हम निकालते हैं तो मान लेते हैं वो मॉड सी के बराबर आएगा, इतना पता है। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट से प्रॉपर्टी का इसका रिलेशन क्या है, तो ये बोलता है, ये प्रॉपर्टी बोलती है कि दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करो फिर डिटरमिनेंट निकालो, या फिर उनका डिटरमिनेंट निकाल के मल्टीप्लाई करो, वैल्यू जो होगी वो सेम ही आएगी। ये है आपके सामने प्रॉपर्टी, दो को मल्टीप्लाई करो फिर डिटरमिनेंट निकालो, या फिर डिटरमिनेंट निकाल कर मल्टीप्लाई करो, वैल्यू सेम आएगी। इसका मतलब ये है कि यदि आपके सामने तीन मैट्रिक्स ए बी और सी, तीन अवयव ए बी सी आपस में उनको मल्टीप्लाई किया और फिर मैंने उन, या फिर इस ये मल्टीप्लाई किया फिर डिटरमिनेंट निकाला, या फिर उनका डिटरमिनेंट निकाल कर मल्टीप्लाई किया, वैल्यू क्या आनी है, सेम आनी है। ये प्रॉपर्टी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना जनरली टफ होता है ना, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, ज़्यादा समय लेता है, तो वहाँ से मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट निकालना बहुत टाइम लग जाएगा। ये प्रॉपर्टी क्या आपको हेल्प करती है कि डिटरमिनेंट निकालना जनरली आसान होता है, तो डिटरमिनेंट निकाल के मल्टीप्लाई कर दोगे तो वैल्यू जल्दी से जल्दी आ रही होगी। तो ये हमने अब तक कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ा है ना, सारणिक के कुछ गुणधर्म पढ़े हैं, इसके भी हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे आगे। आई थिंक आपको सारे प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आ गई होगी, आपको इन प्रॉपर्टीज को अच्छे से याद कर लेना है। ओके, थैंक यू लवर्स ऑफ मैथमेटिक्स, मिलते हैं इसके प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चंस के साथ।